व्हाट इज द रीजन कि भगवान को जन्म लेना पड़ता है, एक आइडियल लाइफ स्टाइल बताने के लिए कि भाई आपको किस तरह से रहना चाहिए। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमको इस तरह की आइडियल लाइफ स्टाइल बताई जाती है, हम उनको भगवान का नाम दे देते हैं और हम अपने और भगवान के बीच में काफ़ी गैप बना देते हैं कि भाई ये तो ठीक है कर रहे हैं, ये भगवान कर रहे हैं, हम जैसा वो जी रहे हैं वैसा हम नहीं जी पाएंगे, जैसा राम ने अपनी लाइफ जी है, जैसे कृष्ण ने अपनी लाइफ जी है, हम नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं है। तो हमने क्या किया, एक वहाँ पर एक अपना एक बोलना चाहिए एक कंफर्ट हमने वहाँ पर क्रिएट कर लिया। ओके, एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि हम क्योंकि महात्मा गांधी के मार्ग पर हम नहीं चल सकते, इसलिए हमने हर रोड पर महात्मा गांधी मार्ग बना दिया कि अब चलो जितना चलना है। ओके, तो इसी तरह से हम क्या है पतली गली कहीं ना कहीं से हम लोग ढूंढ लेते हैं और इसी यही पतली गली हम ढूंढते आए हैं आज तक भगवान के केस में, कि हम बोलते हैं कि भाई ये भगवान है, इनको हम फॉलो हम नहीं कर सकते। हाँ, हम इनकी पूजा कर सकते हैं, जितना बोलो हम उतना पूजेंगे, बट उनको फॉलो या उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो हम नहीं जी सकते। ओके, कृष्ण की जो लाइफ स्टाइल देखो दोस्तों, राम की तो लाइफ स्टाइल आपने देखा है आज तक कि किस तरह से आदर्श जीवन जिया है। कृष्ण की जो लाइफ स्टाइल है वो बेसिकली एक ग्वाले के लड़के थे, एक बहुत छोटे से गाँव से थे, गोकुल से ग्वाले के लड़के थे और वहाँ से एक बहुत समृद्ध राज्य द्वारका के राजा बने। तो ये जो जर्नी है दोस्तों कृष्ण की वो है फ्रॉम जीरो टू द हाईएस्ट पोजीशन विच एनीवन कैन इमेजिन। ओके, और उस समय ऐसा था कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनता है, ऐसे में कृष्ण जो कि एक ग्वाले के बेटे थे वो द्वारकाधीश बने। और द्वारका भी ऐसी नगरी नहीं थी, छोटी मोटी नगरी नहीं थी, सबसे समृद्ध नगरी थी। और उस समय उसका फाउंडेशन उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज भी गुजरात जो है आज भी सबसे समृद्ध राज्य माना गया। गुजरात की आप कभी भी हिस्ट्री उठा लो, गुजरात कभी गरीब प्रदेश रहा ही नहीं है, हमेशा से वो समृद्ध था और उसकी नींव जो है वो भगवान कृष्ण ने उस टाइम रखी थी। आप बोलेंगे वो तो भगवान थे इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, उन्होंने क्या किया था उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, क्योंकि वो एक समुद्री राज्य था। ओके, इसलिए वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ बसाई थी और वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कंसेप्ट है वो कृष्ण ही वहाँ पर लेते हैं। ओके, तो एक जीरो से हीरो बनने की कहानी जो है वो कृष्ण की है। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्ट्रगल नहीं थे, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे अगर आप देखें इनको। और मैं बोला ना कि थोड़ी देर के लिए आप ये मान के मत चलिए कि वो भगवान है, अगर भगवान नहीं भी है तो आप देखेंगे कि वो राज्य भी उनको इतनी आसानी से नहीं मिला जो राज्य उनको चाहिए था, और ना ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस था। तो वो एक्सपीरियंस उन्होंने पहले स्टडी की, अपने गुरु के पास गए, कई सालों तक वहाँ पर रहे, लर्निंग की, उसके बाद बहुत सालों तक एक्सपीरियंस गेन किया, अपने नाना के पास रहे मथुरा में, और उसके बाद कहीं जाके जब उनको लगा कि अब मैं एक राज्य चला सकता हूँ, तब उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की। ओके, तो कृष्ण जो है दोस्तों वो एक एक्सीलेंस का सिंबल है, जिनको 16 कला से परिपूर्ण बोला गया है हमेशा से। ओके, और एक हर चीज़ में एक्सीलेंस, आप चाहे उनके बचपन का देख लो, ऐसा बचपन था, इतना इतना शरारती बच्चा कि हर माँ चाहती थी ऐसा बच्चा मेरे को मिले। जब वो प्रेम करने लगे तो ऐसा प्रेम कि आज भी राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल दी जाती है। जब बंसुरी बजाते थे तो ऐसी बंसुरी बजाते थे कि उनसे अच्छा कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हो या म्यूजिशियन कोई नहीं है, पूरा गाँव जमा हो जाता था। ओके, जब वो फाइट करने लगे तो ऐसी फाइट की उन्होंने कि कंस को, जो कि वहाँ का बहुत सबसे बड़ा राजा था, सबसे ताकतवर था, उसको सोलो फाइट में उन्होंने हराया। ओके, और उसके बाद फिर जब दोस्त बनने पे आए तो ऐसी दोस्ती निभाई द्रौपदी के साथ कि उसकी इज्जत बचाई, और जब गुरु बनने की बारी आई तो ऐसा गुरु बने अर्जुन का कि आज भी हम उसके उनके ज्ञान को गीता के रूप में याद करते हैं। तो हर एक चीज़ में एक्सीलेंस का नाम ही कृष्ण। तो जब भी भगवान की पूजा करते हैं आप, ठीक है बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि उनकी क्वालिटीज़ क्या है और उन क्वालिटीज़ को हम किस तरह से अपने जीवन में ला सकते हैं। और एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कृष्ण की कि कभी भी वो स्टीरियोटाइप में नहीं बनते हैं ना। आप देखेंगे उनका जीवन जो देखेंगे, वो झूठ भी बोलते थे, वो छल कपट भी करते थे, मतलब हर तरह के जो साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, जीतने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी वो सब करते थे। बट उनका कंसेप्ट बहुत सिंपल था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये, उनका कंसेप्ट सिंपल था। और बहुत लोग बोलते भी है कि भाई ये कैसे भगवान है जो झूठ बोलते हैं, जो छल कपट करते हैं, द्रोणाचार्य को छल कपट से मारा, भीष्म को छल कपट से मारा, ये किस टाइप के भगवान है। उनका कंसेप्ट एक ही था, वो सिंपल था कि भाई जो भी हमारा हायर पर्पस है उसके लिए आपको लोअर पर्पस अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो डेफिनेटली आपको वहाँ से नहीं हिचकना चाहिए। ओके, और यही चीज़ आज सेना में भी हमको यही चीज़ सिखाई जाती है। सेना में सबसे हाईएस्ट बोला जाता है कि भाई आज देश हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी है, उसके नीचे सेना वालों को भी सिखाया जाता है कि देश के नीचे फिर आपकी जो टीम मेंबर्स है वो आते हैं, उसके नीचे फिर आप आते हैं। तो अगर देश के लिए आपको अपने टीम मेंबर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो बिल्कुल करो, और अपने टीम मेंबर्स के लिए आपको खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, खुद की जान भी देना पड़े तो बिल्कुल देना चाहिए। ओके, तो सेम चीज़ कृष्ण भी करते थे, उनके लिए सबसे प्रायोरिटी में क्या थी, मानवता थी। उस समय देश का कंसेप्ट नहीं था, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, बट मानवता उनके लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। तो उसके लिए जो कुछ भी बन पड़े वो सारी चीज़ उन्होंने की। ओके, और यही कंसेप्ट हमारी लाइफ का भी रहना चाहिए कि जो भी हायर पर्पस है, बट वो पर्पस हायर रहना चाहिए। अगर आप उसी चीज़ को लोअर पर्पस के लिए करेंगे, जो शकुनी ने किया था, छल कपट करता था बट वो लोअर पर्पस के लिए करता था, तो अल्टीमेटली आपको आपका हाल वही होगा जो शकुनी का हुआ। ओके, तो जब भी आप हायर पर्पस के लिए करते हैं तो लोअर पर्पस को भी हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, नहीं करना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कई बार हम आईएएस आईपीएस वगैरह बनने का सपना देख रहे हैं तो हो सकता है कई बार परिवार को भी छोड़ना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आपका एक पर्पस हाई है, आप देश के लिए जी रहे हैं या फिर इस समाज के लिए जी रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस करने में सेकंड थॉट नहीं लेना चाहिए। तो यही दोस्तों यही चीज़ हमको कृष्ण सिखाते हैं।